अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको अपने सपनों के शहर में हारने का मन कर रहा है, आपको सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, आप थक चुके हो, तो यह कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। यह कहानी है एक आदमी और उसके प्रिय घोड़े की। इस कहानी को ध्यान से समझना क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक आदमी अपने घोड़े के साथ जंगल से जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए और आराम करने के लिए थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे ठहरा। उसने अपने घोड़े को हरी हरी घास खाने के लिए मैदान में छोड़ा। थोड़ी देर बाद मैदान में घूमते हुए घोड़ा अचानक ही एक गड्ढे में गिर जाता है। वह घोड़ा काफ़ी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी वह घोड़ा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। उस आदमी ने भी काफ़ी कोशिशें की और अलग अलग उपाय सोचे अपने घोड़े को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। कई कोशिशों के बाद वह आदमी हार मानकर यह सोच लेता है कि उसका घोड़ा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। बहुत समय हो जाने के बाद वह आदमी ज़्यादा सोच नहीं पाता है और यह विचार बनाता है कि इस घोड़े को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर मानकर खा ना ले। आदमी को थोड़ी ही दूर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है। वह आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस घोड़े के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो यह होती है कि घोड़ा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। यह देखकर वह आदमी खुश होता है और सोचता है कि मैं इसे दफन करने वाला था, अब अगर मैं इस गड्ढे को ही भर दूं, तो मेरा घोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार वह आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डालता है और घोड़ा ऊपर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हमारे जीवन में भी कई दिक्कत या परेशानी आती है, तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, और दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। थोड़े ही प्रयत्न करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा, और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे, तो हमें और भी सारे आइडियाज़ आने लगेगी कि कैसे करें और वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी, और आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ सोचिए मत, उस पर एक्शन भी लीजिए। और जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कि कठिन होगा, जब आप उसे करने जाएंगे तो एकदम सरल हो जाएगा। वेद और पुराणों में भी कहा गया है कि मेहनत करने से ही भाग्य बदलता है और निखरता है।